सो गाइस, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं स्पार्क्स के एक सैंडल की, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और वो रिसेंटली मुझे डिलीवर हुई है। इस सैंडल का मॉडल नंबर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, जो कि है SS481 और इसको मैंने परचेस किया है ऑलिव ब्लैक कलर में। तो चलिए गाइस, करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इन्फॉर्मेशन इस सैंडल के बारे में। गाइस, स्पार्क्स के फुटवेयर्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हर दूसरा बंदा इनको यूज़ करता है। मैं भी काफ़ी सालों से सिर्फ स्पार्क्स के फुटवेयर से यूज़ कर रहा हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इनके सोल्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इनके सोल्स। ये ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होते, डेढ़ दो साल तो आराम से चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सोल मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है, जो इस सैंडल को स्ट्रांग और अट्रैक्टिव बनाती है। और रही बात ग्रिप की गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिस तरह के कट्स इसके डाउन साइड पर दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाली है नॉर्मल डेज में भी और रेनी सीजन में भी। डाउन साइड से ये सैंडल तो अट्रैक्टिव है ही, अब हम ऊपर से देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई भी धागा, कोई भी टुकड़ा, कोई भी मटेरियल यहाँ पर बाहर की ओर निकला हुआ नहीं दिख रहा है। गाइस, बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। स्ट्रॉन्ग सोल होने के बावजूद भी ये सैंडल बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसे कि आप देख सकते हो, इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्स हो रही है, जिसकी वजह से आप इसको वेरियस कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हो। गाइस, जितना स्ट्रॉन्ग इस सैंडल का आउटर सोल है, उतना ही सॉफ्ट और कम्फर्टेबल इस सैंडल का इनर सोल भी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिर्फ उंगली से प्रेस करने से ही कितना सॉफ्टली प्रेस हो जा रहा है। तो बेशक गाइस, ये सैंडल आपको बहुत ही कम्फर्टेबल और सॉफ्ट फील देने वाली है। गाइस, बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। इन जॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जॉइन किया है। स्पार्क्स के सैंडल्स कभी भी जॉइंट्स में से ख़राब नहीं होती, जब तक ये सैंडल टिकती है तब तक ये जॉइंट्स भी टिकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही स्ट्रांगली अटैच किया जाता है। गाइस, इस सैंडल की एक खास चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इस सैंडल के स्ट्रैप्स के इनर साइड में कुशनिंग प्रोवाइड की गई है। इसके पहले मैंने किसी भी सैंडल में ये चीज़ नहीं देखी, सिर्फ स्ट्रैप्स होते थे बट कुशनिंग नहीं होती थी। बट इस सैंडल में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यह सैंडल आपके पैर को अच्छी तरह से होल्ड करके रखेगी। आपको एक शूज़ पहनने का फील आएगा, सैंडल के अंदर आपका पैर इधर उधर हिलेगा नहीं, और आपको नीचे से और स्ट्रैप की साइड से भी कम्फर्ट फील होगा। गाइज, इस सैंडल के स्ट्रैप की वर्किंग एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये वर्क कर रहा है। तो गाइज, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सैंडल के बारे में। बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और बहुत ही बेहतरीन बिल्ड मटेरियल होने के बावजूद भी ये सैंडल बहुत ही लाइट वेटेड है, किसी भी एज की व्यक्ति इस सैंडल को यूज़ कर सकती है। ये सैंडल वेरियस कलर रेंजेस और वेरियस साइज रेंजेस में आती है। गाइज, अगर आप इस सैंडल को परचेस करना चाहते हो तो परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।